हेलो गाइज, वेलकम टू राइजिंग सन एक्स वाई जेड। चलो सीखते हैं ZTE हाथवे वाईफाई राउटर का पासवर्ड रीसेट करना। गूगल क्रोम में हम टाइप करेंगे 192.168.1.1 और सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो हमें लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे। लिंक क्लिक करने पे इसमें पूरी डिटेल है और फिर से एक लिंक है, उस पर क्लिक करने से आप इसके लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। लॉगिन पेज पे पहुंचने के बाद आपको इसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम में हम इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है ZTE वाईफाई राउटर का एडमिन, और पासवर्ड भी बहुत सारे राउटर में एडमिन ही होता है, लेकिन जो एडमिन पासवर्ड से नहीं खुलता तो आप देखेंगे कि राउटर को उल्टा करने पर इस पर जो मैक नंबर होता है, ये पूरा मैक नंबर बिना कोई स्पेस के और बिना कोई स्पेशल करेक्टर के, इसमें जो भी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल नंबर है पूरे के पूरे इसके पासवर्ड में हम भर देंगे। तो इसके जो मैक नंबर का जो पूरा पासवर्ड इसमें भरने के बाद नीचे जो हमें कैप्चा दिया हुआ है, वो कैप्चा भरने के बाद हम इसको लॉगिन कर लेंगे। ये आपका जो ZTE का पासवर्ड रीसेट करना और अन्य जो कंट्रोलिंग करने का जो पेज है उस पे लॉगिन करने के लिए ये आपको करना पड़ता है। तो देखिए, इस तरह से हम इसके पेज पे लॉगिन हो चुके हैं, और इस लॉगिन पेज में हमें लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले नेटवर्क में जाना है, और नेटवर्क में जाने के बाद हमें वी लेन में जाना है, डब्ल्यू लेन में जाने के बाद आपको देखेंगे कि ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको ये टोटल इस राउटर की डिटेल दिख रही है, तो इसमें हमें जो इसकी हार्टेज है वो हमें मैक्सिमम पे रखनी है, और जो DMT इंटरनेट है उसको मैक्सिमम 9 पे, और जो ये मैंने सेटिंग बताई है ये अपर पे कर लेंगे। ये करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो एक बार हमारा नेटवर्क क्लोज होगा, और फिर से हम नेटवर्क की सेटिंग में जाके वाईफाई में जाकर हमारा जो पहले से ZTE का राउटर है उसको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पहले से ही कनेक्टेड था तो हमें पासवर्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। और ये फिर से हमारा वाईफाई हमें सिग्नल मिलने लग गया है, तो दोबारा से हम पेज को रिफ्रेश करके डब्ल्यू लेन में नीचे जो हमारे जो सब मेनू हैं उसमें से हम USD जो इसकी सेटिंग है उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम क्लाइंट यानी कि जो मैक्सिमम डिवाइस ऐड हो सकती है वो 32 है, और SSID नेम जो पहले ZTE के नाम से था उसको मैं बदल के मेरा जो एक KCDC मुझे फेवरेट नाम है वो रख लेता हूँ, और इसकी जो प्रायोरिटी है वो 0 है तो उसी पे ही मैं रख लेता हूँ, और इसको मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद क्योंकि राउटर का नाम चेंज हो गया है तो एक बार फिर से वाईफाई का सिग्नल लॉस हो चुका है, और फिर से मुझे सेटिंग में जाकर वाईफाई के वही जो मैंने नए नाम से जो राउटर रखा है KCGC इसका मुझे सिग्नल मिल रहा है, लेकिन इसका जो मैंने पासवर्ड है वो भरूंगा। जैसा कि आपको पता है नए राउटर के पीछे इसका राउटर का यूज़र नेम और उसके नीचे उसका एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लिखा रहता है, वही पासवर्ड जिससे कि ये मेरा पहले से भी कनेक्ट था, वही पासवर्ड मैं इसको भर दूंगा और फिर से मेरा कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसका पासवर्ड चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने यूज़र नेम चेंज किया है। पासवर्ड वही है अभी तक जो पहले था, जो इसके साथ लिखा हुआ आया था राउटर के ऊपर वही, तो उसी से हमारा अभी ये कनेक्ट हो चुका है। फिर से पेज को रिफ्रेश करके VLAN के नीचे जो अभी हम सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में हमें पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने टिक किया है विजिबल पे, तो वही पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड राउटर के पीछे लिखा हुआ आता है वही पासवर्ड अभी तक इसका सेटिंग में है। तो मैं उस पुराने पासवर्ड को कट करके अपना मनपसंद नया पासवर्ड इसमें टाइप करूँगा, और नया पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं इसे नीचे ड्रॉप डाउन में जो सबमिट का बटन है
उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट का बटन है, ये सबमिट पे बटन पे क्लिक करते ही, क्योंकि अब पासवर्ड इसका चेंज हो चुका है तो हमारे वाईफाई का सिग्नल भी यहाँ से गायब हो चुका है। तो दोबारा से वाईफाई में जाके नया यूज़र नेम जो रखा था KCGC, उसी पे क्लिक करके हमें नया पासवर्ड भी टाइप करना पड़ेगा जो हमने अभी इसका चेंज किया है। तो वही पूरा नया पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा और मैं कर रहा हूँ। करने के बाद हमें कनेक्ट करना है, तो आप देखेंगे कि मेरा पासवर्ड बहुत ही आसानी से चेंज हो चुका है। तो आप भी इस तरह से ये पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरा नया पासवर्ड चेंज हो चुका है और इस तरह से राउटर का पासवर्ड और यूज़र नेम आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि सबसे पहले जो हमें इस पेज को लॉगिन करना है, वहाँ यूज़र नेम में आपको एडमिन और नीचे पासवर्ड में जो बैक नंबर है वो भरना है। इससे आपके इस पेज पे लॉगिन हो जाओगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।